सो एबे देखो एगेन आमे आउ किछटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करिबा। तो देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैला तमरो एनएच टू एनएच टू, ताको आमे कोन कहबे ना हाइड्रोजन कहिबा। तो आमरो एल्डिहाइड दैट इज योर फॉर्मल डिहाइड, ठीक अछि, से कहास तो रिएक्शन करिबा ना हाइड्रोजन एनएच टू एनएच टू सहित रिएक्शन करिबो। तो से फॉर्मेशन कोन हबो देखो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो कॉमनली अटैच हे कि रहिबो, ठीक अछि, कॉमनली ही अटैच हो रहिबो। प्लस ये कौन है ना डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर एन एन एच टू सहित डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर प्लस एच टू ओ रिमूव हम केमती हूँ। देख फर्स्ट टाइम कौन है ना ये एन एच टू फॉर्म रहा, तो गोटे एच टू कौन आसना ये देख ऑक्सीजन पाखे कौन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रही, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड ओ, ता पाखे कौन दुटा एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रही, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की ये कौन हम फर्स्ट एच प्लस आयन टा रिलीज हम, रिलीज हो कि गोटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सहित तो बॉन्ड फॉर्मेशन करके अटैच होकर रहिबो। देन देखो आ गोटे हाइड्रोजन कौन हम, गोटे हाइड्रोजन आसिक अटैच है मान कौन पॉजिटिव चार्ज रहा, आ गोटे कौन हम ना नेगेटिव चार्ज ही हम एच टू रहा, एच टू टा कौन गोटे एच प्लस हो कि चार्ज रे आयन रे फॉर्मेशन हम आ गए माइनस हो कि फॉर्मेशन हम। तो जी प्लस हो कि अच्छे से आसिक ऑक्सीजन सहित तो ऑलरेडी अटैच हो कि रहा, तो जेहेतु ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को तार गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करी से ये डेल्टा पॉजिटिव ऑक्युपाय करके रहिबो, पॉजिटिव अच्छी माने कौन एच माइनस अगेन आसिकी अटैक करिबो, अटैक कर कौन फॉर्मेशन हम देख हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन रे अटैच हो कि रहा, बुझेला अटैच होकर रहीकि ऑक्सीजन रे आ गोटे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अच्छे ये गोटे हाइड्रोजन अटैच हो एठी गोटे हाइड्रोजन अटैच हो बुझेला। आ सब बेले मन रखिथिबो जे जेते बेले भी ए टाइप रो किछटा कंपाउंड तमे देखिबो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रो रिएक्शन रे, देन इमीडिएटली ये कौन फॉर्मेशन करिवो ना वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करके रिमूव हबो, जहाँ जगह रे कि बाकी कंपाउंड रे कौन बोलला एन एन एच टू, बुझेला जे कि गोटे न्यूक्लियोफाइल टाइप रो एक्ट करिवो, जो न्यूक्लियोफाइल आसिक कार्बन सहित तो अटैच करिवो, आउ एठी नाइट्रोजन कार्बन भितर डबल बॉन्ड ही फॉर्मेशन करके रहिबो, जोटा कि एठी मु तुमको शो करछि प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन हेछि। तो जानि पारलो ना वाटर मॉलिक्यूल केमती रिमूव होछि आउ कार्बन नाइट्रोजन भितर डबल बॉन्ड केमती फॉर्मेशन हैला, बुझेला। एबे देखो सेमती कीटोन को नेकी रिएक्शन करिबा, कीटोन रे मते से सेम रिएक्शन ही हबो, किछि भी चेंज हबो नाही, सेठ मते वाटर मॉलिक्यूल गोटे ए टाइप रो ही फॉर्मेशन हबो। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड ओ, बुझेला C डबल बॉन्ड ओ रहिला, प्लस कहाँ से तो रिएक्शन करछ देखो एच टू एन एन एच टू, तुम एमती रिप्रेजेंट कर तार मीनिंग हाइड्रोजन ही किसी प्रॉब्लम नहीं। तो फॉर्मेशन कौन है देखो CH3 C डबल बॉन्ड एन एन एच टू प्लस एच टू ओ, ए सेम वे रे ही एठी मध्यो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करिवे, खाली डिफरेंस कौन एठी तुम्हारा हाइड्रोजन अटैच हो कि अच्छे आउ एठी तुम्हारा मिथाइल ग्रुप कीटोन रे अटैच हो कि रहिबो, बुझेला केमती होची। तो एबे देखो नेमिंग एई कंपाउंड रो ना हैला एसीटोन हाइड्रोजन, एसीटोन हाइड्रोजन बुझेला, आउ एई कंपाउंड रो हैला फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन, बुझिपारछ। तो केमती होची रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन फॉर्मेशन होची आउ ता सहित तो एसीटोन हाइड्रोजन मध्यो फॉर्मेशन होची, आउ दुटा जाक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके ही फॉर्मेशन करिबे। एबे देखो नेक्स्ट आउ गोट एग्जांपल, एबे देखो रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन रो फॉर्मूला हैला तुमरो गोटे फिनाइल ग्रुप अटैच हे कि थिबो, ठीक अच्छे कहाँ से अटैच हो कि थी ना नाइट्रोजन सहित तो अटैच हो रोब हाइड्रोजन एनएच टू है कंपाउंड रहा है तुम कौन फिनाइल हाइड्रोजन, प्लस आम रिएक्शन कहाँ सहित तो देखुचे ना आल्डिहाइड एंड कीटोन सहित तो देखुचे, तो फर्स्ट रिएक्शन आम कहार देखा आल्डिहाइड रो देखा दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ, एटा है तुम फॉर्मल्डिहाइड। तो रिएक्शन कौन आसो प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन हो देख हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहिला कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करी सॉरी डबल बॉन्ड ही फॉर्मेशन करिबो, कहाँ तो करिबो ना नाइट्रोजन सहित तो फॉर्मेशन करिबो, देन आसिला एन एच, ठीक अच्छे गोटे नाइट्रोजन
कौन फॉर्मेशन करी थी ना तुमरो फिनाइल ग्रुप सहित एटा अच्छे कि रहिबो बुझेला आ सहित वाटर मॉलिक्यूल मध्य रिलीज हबो आ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज केमते हला मु तो फर्स्ट हाइड्रोजन सहित रिएक्शन होला देखिथली एग्जैक्टली से सेम वे रे ही वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हबो काहे कि ने ऑक्सीजन पाखरे अगेन दीटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिची जो दीटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन करिवो हाइड्रोजन को कैप्चर करके आनी कि लगेबो अटैच करिवो आ जते बेले सेमती किछि कंपाउंड फॉर्मेशन होची से कंडीशन रे ऑक्सीजन टा पूरा पूरी अनस्टेबल फॉर्म रे रहिबो तो जहां फल रे कि वाटर मॉलिक्यूल हे कि इमीडिएटली रिलीज करिवो बुझेला केमती होची। नेक्स्ट देखो कीटोन से तो कौन हम रिएक्शन आम कौन ना एसीटोन ना हाँ आ कंपाउंड ना है तुम फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन ठीक अच्छे फॉर्मल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन एबे देखो कीटोन से तो केमती होची रिएक्शन CH3 सी डबल बोंड ओ प्लस फिनाइल ग्रुप गोटे एटाच हो कि रहिबो कहा सहित NH2 ठीक अच्छे तो ये प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन करिबो CH3 सी डबल बोंड NNH गोटे नाइट्रोजन कहा सहित एटाच हो कि रहिबो ना फिनाइल ग्रुप सहित एटाच हो कि रहिबो मुझे एमती तले एटाच करके रखी तुम्हें कौन कर साइड अटाच कले भी किसी प्रोब्लम ना बुझेगा प्लस H2O जोटा कि सेम कंडीशन रे ही तुम H2O टा रिलीज हे ठीक अच्छे आई कंपाउंड ना कौन देख एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन एसीटोन सहित अटाच होती एसीटोन फिनाइल हाइड्रोजन बुझेला सेमती देखो आवरी भी केते सारा न्यूक्लियोफाइल अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करिबा तो देखो नेक्स्ट रिएक्शन है तुम कौन ना 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन तो यहाँ देखो फिनाइल हाइड्रोजन लगी 2,4 पोजिशन रे देखो 2 नंबर पोजिशन आउ 4 नंबर पोजिशन रे नाइट्रो ग्रुप एटा छे कि अछि सेथि पई 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन तो एटा सहित मध्ये कोन होबो ना अल्डिहाइड आउ कीटोन दिट जण जको रिएक्शन करिवे तो प्रोडक्ट कोन फॉर्मेशन हो देखो फर्स्ट हम अल्डिहाइड सहित रिएक्शन देखिबा तो सिंपली प्रोडक्ट कोन हेबो हाइड्रोजन कार्बन लाकी रहिला एठी कौन रहिला डबल बोंड फॉर्मेशन करिबो N2H ठीक अच्छे आ सब मन रखो एच साइड रे आमे जो बोंड फॉर्मेशन करा हाइड्रोजन सहित केवे एटाच ही ना नाइट्रोजन सहित ही एटाच हो रही थी बट आम को IPUC सिस्टम एलाओ कर रिप्रेजेंट करें कन्फ्यूज केवे भी हम ना ये 2 पोजिशन गोटे नाइट्रो ग्रुप आउ 4 पोजिशन गोटे नाइट्रो ग्रुप एटाच होकर रहा सहित फॉर्मेशन कौन हम ना वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करिवो जो कंपाउंड अच्छी तार ना है फॉर्मल्डिहाइड 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन सिंपल खाली फॉर्मल्डिहाइड एटाच करिवो जहाँ से रिएक्शन कर कंपाउंड ना लिखिवो जोटा कि बहुत इजी अच्छी एवं देखो एसीटोन सहित CH3 सी डबल बोंड ओ प्लस NH2 NH एठी गोटे नाइट्रो ग्रुप एटाच हो कि अच्छी ये गोटे नाइट्रो ग्रुप एटाच हो रही तो देखो CH3 सी डबल बोंड N2H NO2 आउ ये गोटे NO2 एटाच हो रहा से सेम कंडीशन रे ही केटोन फॉर्मेशन करेबो आउ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हबो बुझेला तो यही कंपाउंड ना कौन ना तुम एसिटाल्डिहाइड सॉरी एसीटोन 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन तो यहीपर कंडीशन रे कौन हो ना 2,4 डायनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन अल्डिहाइड आउ कीटोन सहित रिएक्शन करुची तो नेक्स्ट देखो आउ गोटे रिएक्शन तो एबे देखो रिएक्शन विद सेमिकार्बाजाइड सेमिकार्बाजाइड रो फॉर्मूला कौन ना NH2 NHCO NH2
NH2 जेटा रहिला मझे लगे कौन NHCU NH2 एटा हला सेमी कार्बाइड। तो एठी मध्य कौन से सेम वे रे ही नाइट्रोजन कार्बन सहित तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करके रहिबो आ वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करिबो -H2O। ठीक अछि -H2 हला हमरो कौन बाहरिबो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटा छै कि रहिला कार्बन सहित तो डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सहित तो फॉर्मेशन करिछि बुझेला। तो देखो एन एन एच सी ओ एन एच टू बुझेला एन एच एन एन एच सी ओ एन एच टू। तो यही कंपाउंड ना कौन ना फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन सेमी फॉर्म फिनाइल फॉर्मल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन कंपाउंड फॉर्मेशन हैला। ठीक अच्छे सेमती देख किटोन सहित तो मध्य रिएक्शन करिबो एटा हेला कौन तुम एसीटोन सेमी कार्बाजेट सहित तो रिएक्शन करुच्छे एठी मध्य कौन हम -H2O दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल तुम रिलीज हो ची। तो ये लगला कौन कौन एटा छे कि रहिबो ना देखो CH3 सी डबल बोन एन एन एच सी ओ एन एच टू। तो केमती फॉर्मेशन हो जानपारल ना माने सेमी कार्बाजाइड रु आमे आल्डिहाइड आउ केटोन को नहीं कि प्रोडक्ट केमती फॉर्मेशन करुचे आ ए जो एसीटोन सहित तो रिएक्शन हेला पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हेला तारो ना हेला एसीटोन सेमी कार्बाजोन बुझ पारछो सेमी कार्बाजोन होबो। सेमती देखो आरी गोटे भी तुम पक आमे एग्जांपल नहीं कि करिबा दैट इज रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन। तो देखो रिएक्शन विथ हाइड्रोक्साइल एमीन ठीक अच्छे हाइड्रोक्साइल एमीन रो फॉर्मूला हैला H2NOH। ठीक अच्छे आम क्या सहित रिएक्शन करवा ना आल्डिहाइड और किटोन सहित तो रिएक्शन करवा कौन नबा फॉर्मल्डिहाइड नबा रिएक्शन करिबा रिएक्शन कले कौन हम एठी मध्य तुमरो सेम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करिबो रिलीज हेला परे जेटा हाइड्रोजन तो कार्बन सहित तो एटा छि कि अछि तो कार्बन नाइट्रोजन सहित तो डबल बॉन्ड ही फॉर्मेशन करिके रहिबो आउ ता सहित तो नाइट्रोजन रे के एटा छि कि रहिबो ना OH टा एटा छि कि रहिबो जानि पारलो केमती होची। आउ ए जो कंपाउंड फॉर्मेशन हैला ए कंपाउंड रो ना हैला तुमरो फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सिम फॉर्मल डिहाइड ऑक्सिम हैला फॉर्मल डिहाइड ऑक्सिम सेमती देखो सेम टू सेम रिएक्शन की करिवो ना कीटोन मध्य परफॉर्म करिवो एटा हैला कोन तुमरो एसीटोन कास तो रिएक्शन करची ना हाइड्रोक्साइल एमीन सहित तो रिएक्शन करूची वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हबो रिलीज है कि एठी गोटे हाइड्रोजन लागिबो कार्बन सहित तो, आ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सहित तो, फॉर्मेशन करिबो नाइट्रोजन टा OH सहित एटा छै कि रहिबो आ ए कंपाउंड रो ना हैला एसीटोन ऑक्सिम हैला एसीटोन ऑक्सिम फॉर्मेशन करिबो। तो बुझी पारलो ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन केमती होची कार्बन नाइट्रोजन सहित तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करिबो करिके से कौन करुची ना डिफरेंट टाइप रो रिएक्शन सब जाक शो करुची न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करुची। आउ एठी सब बड़े मन रखिबो जे ऑक्सीजन पाखरे दुटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहिची जहाँ फल कि से दुटा प्रोटोन को अटैच करके से एड करिपारिबो आउ अनस्टेबल फॉर्म रे रहिबो जेतेबेले अनस्टेबल फॉर्म रे रहुची से कौन करिबो ना सिंपली वाटर मॉलिक्यूल को टोटली रिलीज करदेबो बुझेला रिलीज करके फॉर्मेशन कौन करुची ना देखो वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर दिला तार अनुसार प्रोडक्ट सब जाक फॉर्मेशन करिबो। ठीक अच्छे नेक्स्ट वीडियो रे मु कौन करी ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो अगेन केमिकल रिएक्शन आल्डिहाइड आउ कीटोन विषय रे पढ़िबा।